है मेरा नवरात्रि का फर्स्ट व्लॉग। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। गम भी दे क्योंकि गम नहीं रहेगा तो खुशियों की इम्पोर्टेंस कहाँ से रहेगी। यहाँ पर शंकर जी हैं। बहुत ही बड़ा सा पेड़ है, रील शूट करने के लिए बेस्ट है, पर मुझे डर लगता है कहीं कोई डांट। तो ब्लॉग में एक बार लॉन्ग वीडियो में फिर से बोल देती हूँ, आप सबको नवरात्रि की फर्स्ट डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये है मेरा नवरात्रि का फर्स्ट ब्लॉग। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड मैंने पहले ही मिस कर दिया आप सबको कि नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, फर्स्ट नवरात्रि की। माता रानी हम सब के चेहरे पर ऐसी स्माइल और हम सब के लाइफ में खुशियाँ भी दे और गम भी दे, क्योंकि गम नहीं रहेगा तो खुशियों की इम्पोर्टेंस कहाँ से रहेगी, आप सबको पता है ना। जय माता दी, सारे बोलो प्यार से बोलो जय माता दी, जय माता दी। माता रानी के मंदिर में आकर ना एक अलग ही पॉजिटिविटी फील होती है, और वो पॉजिटिविटी दुनिया के कहीं कोने में नहीं मिलती है, माता रानी के नहीं भगवान के मंदिर में आने पर। आप सब देख सकते हो यहाँ पर शंकर जी हैं। हाय से हेलो, ये है मेरी फ्रेंड, आप सबको अच्छे से बताए। मैं भी आशीर्वाद ले ली। एंड गाइस जो नेक्स्ट पार्ट है वो तो मैंने आप सबको दिखाया नहीं, और यहाँ पर काफ़ी प्यारा नज़ारा है, मंदिर के साइड है, इसको बोल सकते हैं आउटडोर, है ना, आउटडोर बोल सकते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पर देखिए जानतरा, बहुत ही बड़ा सा पेड़ है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और गाइस इसके बाद इधर देखिए, यहाँ पर मेन गेट है, यहाँ पर काफ़ी हरियाली है, हरा भरा है। यार इधर रील शूट करने के लिए बेस्ट है, पर मुझे डर लगता है कहीं कोई डांटने ना लगे। बाकी लोकेशन काफ़ी परफेक्ट है, आप सब देख सकते हो यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर कितनी ज़्यादा हरियाली है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाय बाय। और अभी तो नवरात्रि का फर्स्ट डे है, अभी तो बहुत वीडियो बननी है, बहुत कुछ होना है लाइफ में, इसलिए आप सब अभी से ही लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।